वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। जल्दी से कनेक्ट करो, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? से यस या नो? आ जाओ भाई, आ जाओ, है ना। एक सेकंड मैं आपके कमेंट कर लेता हूँ क्लिक, है ना, कमेंट दिखने लग जाए। वेरी गुड मॉर्निंग, चलिए सोनू भी जुड़े, उनका स्वागत है। ऑडियो वीडियो क्लियर है? से यस या नो? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी और आरपीएफ एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 1000 एमसीक्यू सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है। पीवाई की सेशन है और साथ ही साथ में रीजनिंग का ये सेशन है। पिछली बार कैसे प्रश्न पूछे गए उन सभी पर चर्चा करेंगे। जैसे कि अपनी सारी क्लासेस चली रही है, आप कंटिन्यूस में कनेक्ट कर सकते हो। अपना बेहतरीन सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ और अब धीरे धीरे अपन कुछ ऐसी वीडियोस भी लेकर आएंगे जो इन्फॉर्मेटिक रहे और आप लोगों को नॉलेजेबल भी रहे, ठीक है, और कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड भी रहे। तो ऐसे कल एक सेशन लिया था मैंने आप लोगों के साथ में, आई होप आपको पसंद आया होगा, मिड डे मील पर था। और उसमें और अच्छे बेहतर सेशन मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। उसमें ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं होगा, मतलब 5-6 मिनट का वीडियो होता है जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेटिंग वीडियोज़ होती हैं जिसमें नॉलेज आपको वो थ्रू की जाएगी, ठीक है। ऐसे कोई सेशन लेकर आएंगे, ठीक है। तो कुछ अच्छा नया करने की सोच रहे हैं, देखो क्या होता है कि आप लोग क्या उसका रेस्पॉन्स देते हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो देखना जाके, चले स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, ओके। बाकी तो सब आपको पता ही है। पहले प्रश्न पर आते हैं, ज़्यादा समय आपका व्यर्थ नहीं करेंगे। पहला प्रश्न पर आते हैं, उससे पहले मैं आपको घड़ी लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखने में आसानी रहे, ठीक है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आंसर देने की कोशिश करिएगा। कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं आपको पोल दे देता हूँ, ठीक है। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जो भी जुड़ते जा रहे हैं सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन का पोल दे दिया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या समय के हिसाब से क्या प्रश्न का आंसर दिया आप लोगों ने और क्या आंसर बना है। चलो देखो यहाँ पर, ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बी दिया है, ठीक है भाई, है ना, सही है। हाँ देखो, आपने कहा सर बी है, मैंने कहा ठीक है बी क्यों आया उसका भी रीज़न देख लेते हैं। आपने कहा सर बी से वाई बना है, बी से वाई बना है, मैंने कहा ठीक है वाई से बी बना है, बी से एस बना है, क्या संख्याएं कम हो रही है। आपने कहा सर -3, एस में -3 करोगे कितना आ जाएगा, ये आ रहा एक्स आ रहा है, बी आ रहा है, एफ आ रहा है, आपने कहा सर लास्ट में क्या आ रहा है, देखो टी से एक्स बना 4 में है, आपने कहा सर फिर 4 8 20 6 आगे 2 28, आपने कहा सर 2 4 8 करा 6 6 में 4 8 करा 10 10 पर क्या आता है, पी जे ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। अगला देखो, ये पहला प्रश्न था, ठीक है। अगला दूसरा प्रश्न, मैं प्रश्न के नंबर लगा दूंगा,
सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति के अंदर उत्तर की तरफ मुख करके बैठा है, ठीक है ना। पी टी के निकटतम बैठा है, पी टी के निकटतम बैठा है, ठीक है भाई। पी को टी के निकटतम बैठा दो। आगे क्या कह रहा है, टी पंक्ति के मध्य में स्थित है। टी अगर पंक्ति के मध्य में स्थित है तो दो जने, पांच ही लोग हैं। आपने कहा सर दो इधर दो इधर, अब आपसे पहला वाला लाइन जो कनेक्ट करा है वो पी या तो इधर आ गया या इधर आएगा। आपने कहा सर पी इधर रखो अभी, है ना। फिर आगे देखो, पी टी के दाएं हैं, आगे वाली बात आ गई। पी क्यू या आर के निकटतम नहीं है तो एस किसके पास है? आपने कहा सर पी और क्यू, हाँ अगर पी और क्यू इधर आ जाएगा तो आर और क्यू इधर आ जाएगा। तो आपने कहा सर एस तो इधर कॉर्नर पर रहेगा, तो एस कहाँ रहेगा? आपने कहा सर एस किसके निकटतम है? एस पी के निकटतम है। ऑप्शन सेकेंड जो करेक्ट आंसर, ठीक है क्या। चलो अगला देखो, थर्ड क्वेश्चन। वेरी गुड मॉर्निंग, रितिका जी जुड़े उनका भी स्वागत है, चार्ली जी जुड़े उनका भी स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या आंसर रहता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा समझ में करने की ज़रूरत नहीं थी और आंसर बन सकता था, है ना। तो यहाँ पर क्या आंसर बना ये आप लोगों ने बताया। देखो इसमें आपको डिवाइड ही देखना था। आपको पहली चीज़ से क्या समझ आया, पहले ऑप्शन से ये समझ आया कि जो चीज़ें बोल रही है उसको कर लो। मैंने कहा डिवाइड को क्या करोगे, आपने कहा सर डिवाइड को हम माइनस करेंगे। मैंने कहा बहुत सुंदर, प्लस को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस को क्या करोगे, आपने कहा सर ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई को क्या करोगे, आपने कहा सर प्लस करेंगे, है ना। चेंज करो पहले वाले में, डिवाइड को माइनस करोगे और माइनस को क्या करोगे, आपने कहा सर डिवाइड करेंगे। क्या डिवाइड हो जाएगा क्या? और आपने कहा सर प्लस मल्टीप्लाई, मैंने कहा सिक्स। देखो यहाँ से सीधी सी बात है, आपको कुछ कुछ कहानी समझ में आ गई होगी कि हमें मल्टीप्लाई को क्या करना है, आपने कहा प्लस करना है। डिवाइड को माइनस कर ही दिए, वेल आ ही गया। प्लस को मल्टीप्लाई, आपने कहा सर माइनस को डिवाइड, मैंने कहा सिक्स, है ना। और आगे जो आ रहे हैं उसके हिसाब से 34 है ना, ये आपके पास में जाएंगे। अच्छा 42 माइनस 20, आपने कहा सर 22 में आपने 12 जोड़ दिए, इसलिए बात है 22 में 12 जोड़ेंगे।
22 में 12 जुड़ेंगे तो कितने आएंगे, 34। सही है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है ना। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट जो करेक्ट आंसर। बाकी के क्यों नहीं हुए उसका कारण भी समझो, बाकी के क्यों नहीं हुए उसका कारण भी समझो, है ना। अगर ये देखो सेकंड वाला ऑप्शन अगर आप लेते हो, तो आपने कहा सर हमें ये पता लग गया है कि यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज कर दिया गया है। तो आपने कहा सर जो संख्या मल्टीप्लाई की थी वो तो प्लस में हो गई, और जो डिवाइड की थी वो माइनस, जो माइनस की थी वो डिवाइड हो गई, और बाकी जो डिवाइड था वो क्या चल गया, माइनस में चला गया। तो आपने कहा सर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये संख्या आएगी, बाकी ऊपर वाली नीचे वाली सेम है, बट अंतर इतना ही है कि मल्टीप्लाई और माइनस का अंतर है, तो माइनस का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर। चलो देखो, ठीक है, और लास्ट वाला लेटर सेम टू सेम आ ही रहा है। आपने कहा सर UNTIL, आपने कहा सर LL वापस, U पहले पे, I पहले पे, T बाद में, और N। आंसर जो बनेगा क्या बनेगा, ITN UL, ITNUL, ऑप्शन डी जो करेक्ट। पैतालीस सेकेंड में करना भाई। वैसे तो पढ़ते ही आंसर है, पर आप लोग दो तब है। चलो, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे साहित्य के क्षेत्र में, उन्होंने क्या किया था, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो आपने कहा सर मदर टेरेसा शांति के लिए, यहाँ पर देखिएगा, जेड बिंदु वाई से 4 मीटर दक्षिण में, वाई जो है वो बिंदु एक्स से 2 मीटर पूर्व में, बी एक्स से 3 मीटर उत्तर में, ए बी से 5 मीटर पश्चिम में स्थित है, तो वाई के सापेक्ष बिंदु एक्स किस दिशा में, क्या दिशा में। अरे इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने कहा सर सबसे पहले बोला गया है जेड जो है वो वाई से दक्षिण में है, जेड जो है वो वाई से दक्षिण में कितना है, 4 मीटर है। वाई एक्स से कितना है, वाई एक्स से कितना है पूर्व में है, वाई एक्स से पूर्व में है कितना है,
आपने कहा सर 2 मीटर है ना, बी जो है वो एक्स से 3 मीटर उत्तर में है, बी जो है वो एक्स से 3 मीटर उत्तर में है, ठीक है ना, ए जो है वो बी के पश्चिम में है, ए जो है वो बी के पश्चिम में है, बी के पश्चिम में, ठीक है, कितने मीटर, 5 मीटर। आपसे क्या पूछा गया है, वाई का एक्स के सापेक्ष दिशा क्या है, वाई का एक्स के सापेक्ष दिशा क्या है, साउथ पश्चिम, अगला देखो, चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या आंसर बनता है। अच्छा क्वेश्चन था, दिया या नहीं दिया वो तो बात अलग है, उसमें पोल ही नहीं दिया। देखो ए जो आ रहा है ना, बाएं छोर से कौन सा है, अगर आप देखते हो तो ए आता है, बी आता है, सी आता है और फिर डॉलर है ना, डॉलर आता है, फिर हैश आ गया आपका, फिर क्या आना चाहिए, आपने कहा सर डी आना चाहिए, ई आना चाहिए, फिर एफ आता है, जी आता है, फिर आपने कहा सर एंड आ जाएगा, और उसके बाद में ये जो है ये आपको क्रम के अनुसार देखना है, फिर आपने कहा सर क्या बोलते हैं एफ आएगा ना, एंड आएगा, फिर जी आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई, फिर एक्सक्लेमेशन साइन, 2 स्टार और एट द रेट। अगर आपने कहा सर ए जो है वो बाएं छोर से कितने पर, पहले पर है, बाएं छोर से पहले पर कौन है, एट द रेट, ठीक है, तो आप देखो बी जो है वो बाएं छोर से दूसरे पर, आपने कहा सर स्टार जो है वो दूसरे पर है बाएं छोर से, ठीक है, आगे देखो आपने कहा सर सी जो है वो सी, मैंने कहा सी बाएं छोर से दूसरे पर, और दाएं छोर से भी देखते जाओ दोनों, दाएं छोर से पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, यस बाएं छोर से चौथे पर आई एक्सक्लेमेशन साइन जो है वो दाएं छोर से चौथे पर आ गया, ठीक है, साथ ही साथ में आपने कहा सर हैश बाएं बाएं छोर से पांच छठे पर आ गया, तो आपने कहा सर इधर भी छठे पर कौन रहेगा, दाएं से एच, आपने कहा सर आगे, मैंने कहा ई बाएं छोर से कितने पर है, 8वें पर है, इधर से दाएं छोर से 8वें पर कौन आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, आंसर कौन सा बनेगा, तो देखो चलो देखो यहाँ पर क्या कहा गया कि एक्स वाई में से कौन अच्छा नर्तक है, एक्स ने अधिक नृत्य ऑडियंस दिए हैं, मतलब ऑडिशन दिए हैं, और वाई एक्स से अधिक नृत्य किया है,
दोनों में अंतर है, ऑडिशन देने में और नृत्य करने में। अधिक नृत्य किए हैं वाई ने, एक्स से अधिक नृत्य किया। इसका मतलब आपको क्या पता चला? आपको यही पता चला ना भाई कि केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट प्रॉपर वे में बता पा रहा है, पहले की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरा वाला प्रॉपर वे में बता रहा है, पहले की आवश्यकता नहीं है, है ना, अनावश्यक अपर्याप्त है। पहला अपर्याप्त है, दूसरा बता देगा आपको कि क्या कंडीशन में रहेगा। अच्छा, यहाँ पर एक डायग्राम मिस है। डायग्राम मिस है तो डायग्राम क्या कर सकते हैं, अपन बना सकते हैं, आप लोगों के लिए मैं बना सकता हूँ, आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। डायग्राम तो क्या है कि रह गए हैं भाई, है ना, समय के हिसाब से, जल्दी आने के हिसाब से डायग्राम रह ही गया। चलो कोई नहीं, मैं बना देता हूँ, है ना। यहाँ पर अब जो वैल्यूज लिखते हैं ना, उन वैल्यूज को मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 10, यहाँ लिखा हुआ है 6, यहाँ लिखा हुआ है 7, 2, 1, 4 एकदम अंदर और 3 इसके बाहर। आपने कहा सर ये 8 और 9। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या है मैं वो भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। आपने कहा सर रेक्टेंगल जो दिया हुआ है वो बॉयज़ को रिप्रेजेंट करता है, है ना, और साथ ही साथ में आपने कहा सर ट्रायंगल जो दिया गया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो क्रिकेटर्स को रिप्रेजेंट करता है, क्रिकेट को, ठीक है। देन उसके बाद में आपने कहा सर स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है डिसिप्लिन, है ना। आपने कहा सर सर्कल, सर्कल जो है वो एथलेटिक जो हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। क्या पूछ रहा है, प्रश्न का आंसर देना फटाफट। मैं इसमें पोल चेंज कर देता हूँ। सीता जी जुड़े, उनका भी स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन सत्र पर। मैं आशुतोष सर, आपका भी स्वागत करता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। ये जो है ये 4 है ना, बस इधर उधर मत कर दियो। आपसे क्या पूछ रहा है, दिए गए वेन आरेख के अनुसार निम्न में से उन लड़कों को दर्शाता है जो कि एथलेटिक में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। भाई क्रिकेट भी खेलते हैं, एथलेटिक में भी भाग लेते हैं, क्या मैं सही हूँ? ऑप्शन सेकंड इज जो करेक्ट आंसर। क्या मैं सही हूँ? ऐसे बच्चे जो क्रिकेट में भी और एथलेटिक में भी भाग लेते हैं। क्या कह रहा है, एक चित्र की और एक चित्र को देखते हुए शीशा जो कि एक लड़की है उसने कहा कि उसकी माँ, देखो शीशा ने कहा कि उसकी माँ, शीशा की माँ मेरे नाना, मतलब शीशा की माँ मेरे नाना की इकलौती उसके नाना, है ना, मेरे नाना की इकलौती बेटी है, कि केवल एक ही बेटी है और कोई बेटा नहीं है। तो शीशा चित्र वाली लड़की किस प्रकार समझे, सीधी सी बात है, क्या लगेगी? अरे वो शीशा सेल्फ खुद ही तो है, इसका मतलब यहाँ भी डायग्राम बाकी है। चलो डायग्राम बना देते हैं।
चलो देखो यहाँ पर क्या आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, फिगर में कह रहा है ट्रायंगल कितने रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट है। आपने कहा सर एक से दो बन रहे हैं, मैंने कहा दो से दो, दो और दो चार, चार और एक पाँच, पाँच और पाँच दस, और दस और दो बारह, तो टोटल आंसर कितना रहेगा 12, है ना। आप कभी आया होगा तो क्या आया था, है ना। अगला देखो आंसर देखो। क्या कह रहा है कि सिंबल के फॉर्म में आपको कुछ चिन्ह दिए गए हैं, उसमें पहले की एक संख्या आती है, वो संख्या आपसे पूछी गई है, क्या संख्या आएगी वो आपसे पूछी। कोई पैटर्न तो नहीं है बट ठीक है, ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन करते हो तो आप देखो, आपने कहा सर डॉलर और टू आ रहा है, मैंने कहा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर थ्री आ रहा है, सेवन आ रहा है। आपने कहा सर अगर अपन इसको देखें तो डॉलर से पहले क्या आ रहा है, टू आ रहा है, तो आपने कहा सर डॉलर के बाद में, डॉलर के बाद में डॉलर से पहले टू आता है, ऑब्वियसली बात है डॉलर से पहले कितना आता है, टू आता है। तो एक्सप्रेशन में आपसे यही पूछा गया है कि एक्सप्रेशन से पहले क्या आएगा, आपने कहा सर टू आएगा, तो मतलब क्या हो गया वन, मैं कॉम्प्लिकेशन कर दी हो, टू का मतलब क्या हो गया वन, ऑप्शन सेकेंड ही जो करेक्ट है। इसको थोड़ा हाइड करता हूँ, है ना, ताकि आपको दिख जाए, दिखेगा नहीं काफी। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्या राजू को यात्रा करना पसंद है, राजू भारत के पूरब से पश्चिम उत्तर के दक्षिण हिस्से को देखा हुआ है ठीक है ना, राजू को अपने दोस्त की संगत में रहना पसंद है। देखो दोनों वाक्य अपने आप में अलग अलग हैं ठीक है ना, पहला जो है वो इतना कहने में पर्याप्त है कि राजू को यात्रा करना पसंद है, दूसरा स्टेटमेंट इसका थोड़ा सा विपरीत। आपने कहा सर आंसर क्या बनेगा, ओनली पहला वाला फॉलो कर रहा है, दूसरे से उत्तर पर्याप्त नहीं है, तो ऑप्शन फोर्थ जो करेक्ट आंसर है, यस या नो। चलो ये दर्पण वाला तो रह ही गया भाई, है ना। अगला क्वेश्चन देखो,
चलिए एस से क्या बन रहा है, आपने कहा सर टी बन रहा है, डी से यू बन रहा है, यू से वी बन रहा है, आपने कहा सर अगर अपन देखें एस टी यू वी डब्ल्यू, आपने कहा सर टी यू वी डब्ल्यू और एक्स, अगला देखो यहाँ पे देखिएगा जी डबल ओ, जी डबल ओ एस ई कॉज, आपने कहा सर गेजिस है ना, तो मैंने कहा ये जो है ये आपका क्या है प्लूरल है, प्लूरल है, बहुवचन है ना। आपने कहा सर सॉक्स, सॉक्स सॉक्स और सॉक्स ये भी बहुवचन है, ठीक है सॉक्स का सॉक्स। आपने कहा सर टी शर्ट, टी शर्ट्स, शर्ट्स, शर्ट, शर्ट, शर्ट्स है ना, तो हमें पहले क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए फिर प्लूरल चाहिए। आपने कहा सर पहले सब में क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, तो यहाँ तक तो बिल्कुल नहीं बन पाएगा, तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका क्या रहेगा, प्लांट, प्लांट्स, फोर्थ जो करेगा। नीचे दिए हो कोई बात नहीं, अगला देखो। चलो देखो ये क्या कह रहा है कि कुछ सब्जियां जो है वो, कुछ फल जो है वो सब्जियां, कुछ फल क्या बन रहे हैं, आपने कहा सर कुछ फल सब्जियां हैं है ना, और कुछ सब्जियां जो है वो क्या खाने योग्य नहीं है, नहीं है बाकी सब तो है ही, अगर इसको ऐसे कर सकते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, कुछ खाने योग्य नहीं है ना। डायग्राम मैंने थोड़ा अलग बना दिया है, अब ठीक है। आपने कहा सर अगर अपन इसमें आंसर पूछें तो वो पहला कह रहा है कुछ फल जो हैं, कुछ फल खाने योग्य नहीं है, क्या फल की डायरेक्ट बात कही गई है क्या, आपने कहा सर नहीं, तो बस कैसे मानोगे, कुछ सब्जियां जो है वो फल है, क्या कुछ सब्जियां फल है, बिल्कुल सही बात है, तो आपने कहा सर ओनली सेकंड फॉलो ऑप्शन, फर्स्ट जो करेक्ट आंसर, सेकेंड तो है ही पर फर्स्ट करेक्ट आंसर है, ठीक है।
चलो यहाँ पर क्या कह रहा है, सुनना बात को। सुबह के वक्त एक्स और वाई दोनों मॉर्निंग का टाइम है, एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलकर आ रहे हैं। जब वह एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की परछाई एक्स के ठीक सामने होती है। वाई की परछाई जो है वो एक्स के सामने होती है, वाई की परछाई एक्स के सामने होती है, ठीक है, ठीक सामने होती है। तो एक्स किस दिशा में आ रहा है? सीधी सी बात है, पूरब दिशा में आ रहा है। ज़्यादा सोचने वाली बात थी ही नहीं, है ना? आंसर देना का सोचने का था, क्वेश्चन का सोचने का नहीं था। चलो देखो इसमें क्या आंसर बनेगा। जो 9 का स्क्वायर करते हो, हाँ चला गया, 9 का स्क्वायर करते हो, तो कल एक क्वेश्चन भी तो दिया था, तो वो भी बताएंगे, है ना? कल वाला क्वेश्चन भी लेकर आना है। आपने कहा सर 9 का स्क्वायर, मैंने कहा 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, माइनस करने पर कितना है 45। आपने कहा सर 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 7 × 7 = 49, माइनस 16 कितना आया 33। आपने कहा सर 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, आपने कहा सर 16, 36 माइनस 16 कितने आ गए 20। और आपने कहा सर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16, सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा कल एक प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था, आप लोगों ने शायद करा या नहीं करा मुझे आइडिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दिया है आपने सब ऑप्शन बी ए। चलो कल एक क्वेश्चन छोड़ा था मैंने, तो याद आता है, और आप लोगों को भी शायद याद आता होगा, ट्रिग्नोमेट्री का था, है ना? क्या आंसर दिया मुझे तो याद नहीं, मैंने कमेंट देखे ही नहीं है, अभी देखूंगा, ठीक है। उससे पहले एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री, फिर खत्म करते हैं क्लास को, ठीक है? मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ भैया ना, ट्रिग्नोमेट्री नहीं दे रहा। ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन तो मैं भूल गया, आप लोगों को लिख के दिया था, आप लोगों ने किया या नहीं किया वो आइडिया नहीं है, बट अब जो दे रहे हैं वो अलग है, ठीक है। वैल्यू निकालना है, ठीक है, निकालो, क्या निकाल दो। देखो क्या आंसर आया, आपने कहा सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 16, 16/4 का मतलब क्या हो गया 1, 16/4 का मतलब क्या हो गया 4,
आपने कहा सर दोनों को जोड़ के 4 को माइनस, मैंने कहा 34 34 प्लस जोड़ दो कितना आ गया, आपने कहा सर 109, तो 9 माइनस करोगे किसके साथ में, 142, 109 माइनस करने पर 142 में कितने आ जाएंगे, आपने कहा सर 33 33, फिर माइनस करने पड़ेंगे 34 के अंदर, 34 के अंदर करोगे तो कितना आ जाएगा, 32। ए ऑप्शन फोर्थ जो करेक्ट आंसर, ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन आइडिया नहीं आ रहा कहाँ चल गया। चलो एक नया ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे देते हैं, है ना, वो तो अब माइंड से तो गया मेरे, कहाँ माइंड में था, था तो अलग ही था। चलिए मैं एक अलग क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूँ, एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ जिससे आप थोड़ा सा अच्छा रिलेट करोगे और अपने आप को करने के लिए भी प्रेरित करोगे कि हाँ सर मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से करूँगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, साथ ही साथ में दिया गया माइनस वन अपॉन क्या दिया गया है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है ना, और लास्ट में दे रहेगा प्लस वन, ठीक है। ये आपका प्रश्न है, बढ़िया सा प्रश्न है और SSC में भी पूछा हुआ है ये प्रश्न अच्छे से। अब इसका आंसर आपको देना है, देखो ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ क्योंकि बिना ऑप्शन के आप बना नहीं पाओगे, है ना, बना क्या नहीं पाओगे, हिलते रहोगे कहोगे क्या ही बनेगा। साइन और कॉस की फॉर्म में ही चाहिए आंसर तो, है ना, टेन भी ले आओ तो टेन भी ले आओ, चलो टेन और कॉट की फॉर्म में भी आ जाएगा, और अगर आप किसी और फॉर्म में लेकर आना चाहते हो तो वो भी लेके आ सकते हो। मैं तो यहाँ पर सिर्फ दे रहा हूँ साइन कॉस टेन किसकी फॉर्म में आप दोगे वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से करना है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ऐसे ही वैसे ही सेशन के लिए आपको जुड़े रहना है, क्लासेस चल ही रही है, डेफिनेटली बेहतर और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में, साइनिंग ऑफ, टेक केयर।